लेके लेंगे, हम लेके रहेंगे, मेरा बाप भी देगा। पाकिस्तान में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने देश की सत्तारूढ़ सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेता कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद ही अपनी फजीहत करा बैठे। इमरान खान की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट की तरफ भागते देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए हाईकोर्ट की ओर भागे थे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, जिसमें फवाद चौधरी नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। लेंगे हम लेकर रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। लेकिन उसके बाद जो वीडियो नजर आ रही है, उसमें देखा जा सकता है कि सफेद कुर्ता पाजामा पहने फवाद जमानत मिलने के बाद एसयूवी में बैठते हैं, लेकिन वो अचानक ही एसयूवी से उतरकर तेजी से हाईकोर्ट की ओर भागने लगते हैं। पुलिस के कोर्ट पहुंचने के बाद फवाद ने एक कदम उठाया। दरअसल उन्हें डर था कि एक अन्य मामले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में थके हारे फवाद का एक और विजुअल सामने आता है, जिसमें कुछ वकील फवाद को एस्कॉर्ट कर ले जाते हुए नजर आते हैं। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस कोर्ट में बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस, फिर इनको गिरफ्तार करना चाह रहा है। ये देखा जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की गई, जैसे ही बदमाश देख निकले पंजाब पुलिस आई हुई है। उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाए, बेहोश हो रहे हैं यार। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में इस वीडियो के आते ही यूजर्स उनका मजाक उड़ाने में लगे हैं, उनकी फजीहत हो रही है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। देखिए बहुत भाई, देखिए कोई नहीं।